Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject maths of standard 7th in that exercise 2.3, question number 4. Which is greater? इसमें से कौन सा greater है? 2/7 of 3/4. Okay, सबसे पहले हमें ये इसका कैलकुलेशन करना है, 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8, यानी ये बड़ा नंबर है या ये. तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं. 2/7, व्हाट डू मीन बाय ऑफ इन मैथ्स? मल्टीप्लाई 3/4. ओके, नाउ व्हाट वी do multiply of numerator with numerator and denominator with denominator. That means 2 3s are 6, 7 4s are 28. Now numerator and denominator both are came in the table of 2. Okay, dono 2 ke table mein numerator bhi aayega aur denominator bhi. तो हमें उसका इस तरह से स्मॉलेस्ट फॉर्म करना पड़ेगा. तो 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3, एंड 28 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 1/4, 14. डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स उसका हम हाफ करते हैं. कोई भी चीज़ हाफ कब कहलाती है? जब उसके हम दो पीस करते हैं. तो यानी यहाँ हमने 2 से डिवाइड किया तो 6 का हाफ 3, 28 का हाफ 14. अब नहीं होगा. अगर कभी कभी नंबर ऐसा भी आएगा, एक बार आप करोगे तो फिर और भी स्मॉलेस्ट फॉर्म होता होगा. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब तक कोई एक ही टेबल में आते हैं तब तक उसे हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में करना है. तो हमें इसका आंसर मिला 3/14. 2/7 ऑफ 3/4, दैट मीन्स हमें मिला 3/14. अब ये जो और है, यानी ये बड़ा है या ये, तो अब हम ये भी सॉल्व करते हैं. 3/5 of that means multiply 5/8. 3 5s are 15, 5 8s are 40. ओके, अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 है, यहाँ पे 0 है. ओके, तो दोनों कौन से टेबल में आएंगे? 5 के. तो ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल है. तो डिविजिबिलिटी रूल आपको जितना अच्छी तरीके से याद होगा तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. तो 15 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3, एंड 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8. ओके, तो अब हमारे पास ये दो नंबर आए, 3/14 बड़ा है या 3/8. इन दोनों का हमें कंपैरिजन करना है, क्योंकि इसको हमने सोल्व किया तो मिला 3/14, इसको सोल्व किया तो मिला 3/8. ओके, अब हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है. या तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दो. जब भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है तो सिर्फ हमें उसका न्यूमरेटर चेक करना होता है. जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, एंड जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा. ओके, एक मेथड वो है. दूसरी इजी एंड शॉर्टकट मेथड भी है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ. ओके, जब दो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो जस्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं. ओके, ये टर्म के लिए हमें इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है. ये कितना हो जाएगा? 3 8 24, वो यहाँ पे आएगा. याद रखना ये दो नंबर, और इस साइड के लिए बाकी के जो दो नंबर बचे, ये 3 × 14, 14 3s हो जाएगा 42. तो अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये, दैट मीन्स ये नंबर बड़ा है. लेकिन ये नंबर एक्चुअल में क्या था? 3/5 of 5/8. यानी इन दोनों नंबर में से ये नंबर है वो ग्रेटर है. तो हम लिखेंगे 3/5 of 5/8 is greater. Okay? Hope कि आपको ठीक से समझ में आ गया होगा. Now let's start question number 5.
सी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. सेली प्लांट्स फॉर सैपलिंग्स, दैट मीन्स छोटे छोटे प्लांट इन अ रो. ओके, एक रो में वो फोर जो प्लांट है वो उसको उसका प्लांटेशन करती है. इन अ गार्डन द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजसेंट, एडजसेंट मीन्स पास पास के. ओके, उसके बीच में कोई नहीं होगा, उसके पास का. द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजसेंट सैपलिंग्स इज 3/4 meter. ओके, दो पास पास के छोड़ है, उसका डिस्टेंस है 3/4 meter. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग. फर्स्ट एंड जो लास्ट सैपलिंग्स है उसके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. सो सी समझ लो, ये फोर सैपलिंग्स है. ओके, एक रो में है फोर, दो एडजसेंट यानी ये पास पास का जो दो सैपलिंग्स है, छोटे छोटे प्लांट है, उसका डिस्टेंस हमें गिवन है, वो है 3/4 meter. ये फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3/4, सॉरी एवरी पास पास के जो है, इसका डिस्टेंस 3/4 होगा, इसका भी 3/4 meter एंड इसका भी 3/4 meter. तो ये फर्स्ट प्लांट एंड ये फोर्थ वन. ओके, हमें इसका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है. तो इन दोनों के बीच में 3/4 meter कितने टाइम आया, 3 time. तो एक मेथड ये है कि आप 3 time इन तीनों का प्लस कर लो, 3/4 + 3/4 + 3/4. ओके, तो एक मेथड ये है. और दूसरी मेथड 3/4 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, क्योंकि ये 3 times है. ओके, आप कोई भी मेथड कर सकते हो. चलो तो हम लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू एडजसेंट सैपलिंग वो कितना था, 3/4 meter. तो 3/4 हम मल्टीप्लाई 3 करते हैं. न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का. 3 3 = 9, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होगा, 4 1 = 4. तो हमें आंसर मिल गया 9/4 क्या, मीटर. मीटर लगाना मत भूलना, वरना आपका आंसर सही है फिर भी फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा. ओके, तो फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग का बीच का डिस्टेंस है 9/4 meter. तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग इज 9/4 meter. ओके, नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 6. Lipika reads a book for 1 and 3/4 hours every day. Lipika हर रोज इतने आवर से एक बुक को रीड करती है. She reads the entire book in 6 days. उसने पूरी बुक 6 दिन में कंप्लीट कर ली, रीड कर लिया. How many hours in all were required by her to read the book? तो टोटल आवर उसने उसको कितना लगा होगा पूरी बुक को रीड करने के लिए, वो हमें फाइंड करना है. ओके, तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 and 3/4 hour. सी कंप्लीटेड बुक इन
सिक्स डेज ओके, हर रोज का इतना रीड कर रही थी, तो उसने उसको टोटल इसमें टाइम लगाए 6 दिन का ओके, हर रोज का इतना रीड कर रही है, तो 6 दिन में उसने टोटल कितना रीड किया है, कितने आवर्स वो हमें फाइंड करने, तो जस्ट हम क्या करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 and 3/4 मिक्स फ्रैक्शन में उसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 4 1 जा 4 + 3 7, 7/4 हो जाएगा ये, तो मैं यहाँ डायरेक्टली 7/4 लिख रहा हूँ, 7/4 मल्टीप्लाई बाय 6 क्योंकि 6th डे है, अगेन न्यूमरेटर न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का, 7 6 जा 42, डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं है तो 4 ही होगा ओके। अब क्या करेंगे, इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा ठीक है, दोनों 2 के टेबल में आएंगे, इसका लास्ट डिजिट 2 है, यहाँ पे भी 4 है, यानी दोनों नंबर इवन है तो 2 के टेबल में आएंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 21, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2, यानी 21/2 आवर टोटल बुक को रीड करने में इसको टाइम लगेगा 21/2 आवर्स ओके। तो हम लिख देते हैं 21/2 आवर इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक